हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अमेजिंग बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस कुर्ती की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जो कि हमने 6 या 7 इयर्स बेबी की इस कुर्ती की कटिंग ऑलरेडी पहले से ही किए हुए। अगर आपको इसकी कटिंग सीखनी है तो आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस कुर्ती की कटिंग सीख सकते हैं। तो चलते हैं, इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाई स्टेप करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें क्या करना है, अगर आप इसमें लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप इसी को रखकर सेम टू सेम लाइनिंग रखकर रफ स्टिच करके रेडी करेंगे, उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या किया, ये जो हमें बकरम कॉलर वाला जो बकरम कट किया था, पेस्टिंग कट किया था, इसे भी हमने आयरन से इसे चिपका लिया अच्छे से। तो चलते हैं, इसकी स्टिचिंग करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं ये स्टिचिंग कैसे होकर ये रेडी होगी हमारी ये बेबी गर्ल्स की कुर्ती। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसमें हमें लाइनिंग भी लगानी है। तो हमें क्या करेंगे, इसी के बराबर लाइनिंग रखकर इसकी कटिंग करेंगे, रफ स्टिच करके इसे रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने देखिए ये लाइनिंग लगाकर रफ स्टिच करके रेडी कर लिया, ये देखिए दोनों पार्ट में इस तरह से और इस तरह से, बिल्कुल हमने सेम टू सेम हमने ये ऊपर वाले फैब्रिक के बराबर लाइनिंग को इस तरह को कटिंग किया, रफ स्टिच करके रेडी किया। अब चलते हैं, मशीन पे चलते हैं और सबसे पहले नेक बनाकर रेडी करेंगे, उसके बाद शोल्डर ज्वाइंट करके रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम मशीन पे आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमने पट्टी कट की थी यहाँ से, ये ओपन है देखिए इस तरह से, तो इस तरह से क्या करेंगे, दोनों तरफ से डाल करके एक स्टिच करके रेडी करते हैं, जिस तरह से यहाँ और फिर इधर साइड, ये दोनों साइड। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने ये स्टिच करके रेडी किया इस तरह से, ये पट्टी डाल करके। अब इसे क्या करना है, अंदर की तरफ फोल्ड करना, ऊपर से एक स्टिच करके रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स, अंदर की तरफ इस तरह से करेंगे और इसके ऊपर से एक स्टिच करके रेडी करेंगे। तो चलते हैं, ऊपर अंदर की तरफ ये कर लेंगे और ऊपर से एक स्टिच करके रेडी करेंगे इस तरह, सारे को इसी तरफ ये स्टिच करते जाएंगे अंदर की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से ये ऊपर स्टिच करके रेडी कर लिए इस तरह, ये देखिए। हमें क्या करना, अंदर की तरफ ये जो हमारा है, इसे अंदर की तरफ क्या करेंगे, इसे पहले फोल्ड कर लेंगे और ये हमारी हेमिंग हो जाएगी। तो इसे क्या करते हैं, फोल्ड करके रेडी करते हैं इस तरह से सारे को। तो फिर ये हमने अंदर इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लिया। चलते हैं, शोल्डर ज्वाइंट करते हैं और कॉलर बनाकर पहले रेडी करते हैं। तो फिर इसी के ऊपर क्या करते हैं, बैक वाले पार्ट को डालते हैं और ये दोनों को मिलाते हुए दोनों शोल्डर यहाँ और यहाँ स्टिच करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने दोनों शोल्डर ज्वाइंट करके रेडी कर लिए। अब चलते हैं, कॉलर बनाकर रेडी करते हैं। तो ये हमारी कॉलर है, ये इसे क्या करेंगे, पहले स्टिच करके रेडी करते हैं, उसके बाद इसमें नेक में लगाकर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने क्या किया, पहले चारों तो दोनों तरफ से कट करके निकाल दिया एक्स्ट्रा वाले, इसे क्या करते हैं स्टिच करके रेडी करते हैं। तो इसके ऊपर एक और ये पट्टी को इसके ऊपर डालेंगे, बिल्कुल इसी के बराबर चारों तरफ से स्टिच करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए ये हमने इस तरह से बैठाकर ये कॉलर पे स्टिच करके रेडी किया, इसे क्या करते हैं पलटते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने कॉलर देखिए ये रेडी कर ली। अब चलते हैं, क्या करते हैं, अब लगाएंगे कैसे। तो पहले क्या करना है, हमें नेक में लैस लगाना है, तो लैस लगाएंगे, उसके बाद ये कॉलर अटैच करके रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा पतला वाला लैस है, इसे ही हमें लगाना है। तो चलते हैं, लगाते हैं दोनों साइड इस तरह से, ये किनारे किनारे इसे बैठा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखिए इस तरह से लैस को बैठा दिया, हमें नीचे भी बैठाना है, तो वो अभी नहीं बैठाएंगे, कॉलर लगाने के बाद ही नीचे में हमें चारों तरफ बैठाकर रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स, हमें कॉलर लगाना कैसे, तो इसके अंदर इस तरह से ये डालेंगे और चारों तरफ ये स्टिच करके रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक स्टिच देखिए चारों तरफ से करके ये ज्वाइंट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से पलट करके ऊपर से एक स्टिच करके रेडी करेंगे कॉलर। साड़ी को क्या करेंगे, अंदर की तरफ से इसे फोल्ड करके ये कॉलर रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कॉलर हो गई रेडी, देखिए कितनी आसानी से हमने इसमें कॉलर भी लगाकर ये रेडी कर लिए। अब चलते हैं, क्या करते हैं, इसे फिटिंग करेंगे। तो पहले नीचे तक और लैस लगा लेते हैं, उसके बाद इसकी साइड फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने यहाँ तक ये लैस लगा ली। अब क्या करते हैं, पहले इसे फिटिंग करते हैं, उसके बाद और ये साइड में लैस लगाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, आर्मोल में ये पट्टी लगाकर इसे रेडी करते हैं। फ्रेंड्स, हम इसे उड़े पट्टी इस तरह से ये लाइनिंग का ही लगाएंगे, पाइपिंग नहीं लगाएंगे। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये आर्मोल में इसके ऊपर से डाल करके और ये स्टिच करके रेडी करेंगे इस तरह से यहाँ तक। तो चलते हैं, स्टिच करके रेडी करते हैं। ये हमने स्टिच कर लिया, इसके ऊपर से एक स्टिच करेंगे और ये साइड से इसे फोल्ड करके रेडी करेंगे। ये हमने साइड भी फोल्ड करके रेडी कर लिया। अब यह इसे क्या करेंगे, अंदर की तरफ से ये हमारी हेमिंग हो जाएगी इस तरह से। अब क्या करते हैं, दूसरे साइड के भी आर्मोल में इसी तरह से ये पट्टी लगाकर रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने दोनों आर्मोल में इस तरह से पट्टी लगाकर रेडी कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, अंदर इसे फोल्ड कर लेंगे और ये हमारी हेमिंग हो जाएगी। अब चलते हैं, इसकी फिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें लैस लगाना चाहते हैं तो लैस भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आर्मोल में भी ये लैस लगाकर रेडी करते हैं इस तरह से, इसके ऊपर बैठाएंगे ये और चारों तरफ बैठाकर रेडी करते हैं स्टिच करके दोनों आर्महोल। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक आर्महोल में ये लैस लगकर रेडी हो गई। इसी तरह से क्या करते हैं, दूसरे आर्महोल में भी
दूसरे साइड के आर्महोल में इसी तरह से ये लेस लगा कर रेडी करते हैं। साइड के ये आर्महोल में इसे क्या करना है, इस तरह से ये रखना है, इसी तरह से ये स्टिच करके रेडी करना है। तो ये हमारी दोनों आर्महोल में लेस लगकर रेडी हो गई। देखिए इस तरह से दोनों में हमने लगा लिया। अब क्या करते हैं, इसकी बॉडी फिट करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी फिटिंग की जो मार्किंग है इसी पे हमें फिट करना है। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग फिट करें, कम ज़्यादा हो उतना ही आप इसे फिट कर लेंगे। तो ये जो हमने नाप लिया है उसी के नाप से इसे हमें इस तरह से स्टिच करके रेडी करना है दोनों साइड। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक साइड की फिटिंग हो गई। और दूसरे साइड का चलिए फिटिंग करते हैं इसी तरह से दूसरे साइड का फिटिंग करके रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स हम दूसरे साइड का भी ये फिटिंग कर लेते हैं इस तरह। तो ये हमारे दूसरे साइड की फिटिंग हुई। अब चलते हैं चाक बनाकर इसका रेडी करते हैं। फिर हम चलते हैं चाक बनाकर रेडी करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, ये नीचे में इस तरह से ज्वाइंट करके पहले अंदर की तरफ से इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि ये लेस लगाने में अच्छे से बैठ जाए। तो चलते हैं नीचे स्टिच करके रेडी करते हैं। तो हमने नीचे फोल्ड करके रेडी किया। अब चलते हैं साइड वाला चाक बनाते हैं। फ्रेंड्स हम पीछे साइड भी एक लेस लगाकर पहले रेडी करते हैं, इस तरह से इसके ऊपर स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड ये चाक क्या करते हैं, इस तरह से फोल्ड करके ये दोनों साइड स्टिच करके रेडी करते हैं इस तरह से। इसी तरह से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ये स्टिच करके रेडी करना है। फिर इधर साइड इसे क्या करेंगे, घुमाएंगे इधर की साइड, फिर इधर भी इसी तरह से फोल्ड करके रेडी करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक साइड की चाक बनकर रेडी हो गई। इसी तरह से क्या करते हैं, दूसरे साइड का भी चाक बनाकर रेडी करते हैं। दूसरे साइड का भी हमें क्या करना है, इस तरह से अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है और ये दोनों साइड स्टिच करके रेडी करना है चाक। फ्रेंड्स हमारी ये चाक बनकर कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं लैस लगा लेते हैं इसमें। चलते हैं लैस हमें बैठा लेना है अच्छे से ये दोनों को बराबर करके इस तरह, और फिर इधर से इस तरह से ये देखिए इस तरह इसी तरह से बैठाते जाएंगे। फिर यहाँ से इधर मुड़ाएंगे इधर की साइड, फिर इधर की साइड मुड़ाना है और इधर साइड भी इस तरह से ये बैठाते जाना है इस तरह। फिर इधर की साइड इधर लाकर इसे इधर साइड, फिर हमें चाक की तरफ भी इसे इस तरह से लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक साइड देखिए, ये इस तरह से हमने लेस लगा ली। अब चलते हैं इसी तरह से दूसरे साइड भी लेस ये लगाकर रेडी करते हैं कुर्ती। तो फ्रेंड्स चलते हुए हम दूसरे साइड भी ये लेस लगाकर रेडी करते हैं। इधर की साइड ये लेस को लाकर और इधर की साइड ये नीचे इस तरह से घुमाएंगे और सारे को इसी तरह से क्या करेंगे, ये बैठाते जाएंगे देखिए इस तरह से। फिर इधर की साइड घुमाना है, इधर की साइड ये इस तरह से ये चाक से ये लेस बैठाते जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ अंदर इसे हमने फोल्ड कर लिए इस तरह और ये हमने ये बैठा कर लेस रेडी कर लिए। तो ये हमारी लेस भी लगकर कुर्ती हो गई रेडी। और फ्रेंड्स देखिए ये हमारी कुर्ती हो गई कंप्लीट। कितनी इजी तरीके से ये हमने कुर्ती आपको स्टिचिंग करके बताया, बहुत ही प्यारा ये कुर्ती का डिजाइन लग रहा है। ये हमारी डिजाइनर कुर्ती बनकर बेबी गर्ल्स की रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसकी कटिंग सीखनी है 6 या 7 इयर्स की बेबी गर्ल्स कुर्ती की कटिंग, तो आपको इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसकी कटिंग सीख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से ये आप डिजाइनर कुर्ती घर में ही इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। ये हमने देखिए यहाँ स्लीव्स में भी ये लेस लगाया है और बैक साइड में भी ये हमने नीचे में लेस लगाकर रेडी किया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ नेक पे ये जो हमने नेक बनाया है इसमें क्या करना है, ये लूप्स लगाकर रेडी करना है। तो फ्रेंड्स ये हमने फैब्रिक ग्लू से इसे क्या करना है, चिपका लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये चिपका कर रेडी कर लेते हैं यहाँ 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 यहाँ, और ये हमारी इसी को हमें चिपका कर रेडी करना है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखिए नक को सारे को ये लूप्स लगाकर चिपकाकर रेडी कर लिया। अगर आप इसमें चाहें तो ये हुक लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये इस तरह से ओपन रहेगा ताकि पहनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये हमने इसी पैंट का ये कुर्ती रेडी किया है, ये जो हमारी पैंट है इसी पैंट की। तो फ्रेंड्स अगर आप ये बेबी गर्ल्स की पैंट की या ट्राउजर पैंट की कटिंग सीखनी तो आपको इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी का ये हमने कुर्ती रेडी किया है, देखिए कितना ये प्यारा प्यारा इस पे ये पहनने पे इस तरह से ये लगेगा, देखिए इस तरह से कितना ये प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी ये आज की ये कुर्ती की कटिंग की स्टिचिंग की वीडियो। अगर आपको इसकी कटिंग सीखनी है तो आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी कटिंग की, और ये हमने स्टिचिंग करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। हमने डिजाइनर कुर्ती ये लेस लगाकर पार्टी वेयर कुर्ती ये बेबी गर्ल्स की रेडी की है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।